नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे अग्नि 5 को लेके। जैसा कि हमें पता है कि अग्नि 5 भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, डेवलप किया है DRDO ने। और जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है वो ऑफिशियली 5500 किलोमीटर तक बताई जाती है, और अनऑफिशियली जो अनुमान है वो तकरीबन 8000 का है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज वाला मिसाइल है और सॉलिड फ्यूल बेस्ड जो प्रोपेलेंट है उनका इस्तेमाल करता है। और इसके अब तक तकरीबन 7 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। और ये जो सातों के सातों टेस्ट हैं, इसमें जो अलग अलग पैरामीटर हैं उनको टेस्ट किया गया था। जैसे कि पहले टेस्ट में देखा गया कि जब मिसाइल ऊपर जाती है और एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जब री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस प्रकार की है और टारगेट को कैसे हिट करती है, तो ये पहले टेस्ट में देखा गया था। दूसरे टेस्ट में इसको फायर किया गया था एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से। तीसरे टेस्ट में इसका जो ऑटो लॉन्च है वो कैसे परफॉर्म करता है वो देखा गया था, यानी कि ऑटो लॉन्च के बाद जो डेटा है वो अलग अलग रडार नेटवर्क्स पे कैसे दिखते हैं। इसका जो फोर्थ टेस्ट था वो भी एक कैनस्ट्राइज टेस्ट था, और फोर्थ टेस्ट के बाद ही इसको जो FOC है वो दे दिया गया था 2016 में। और उसके बाद एक 5th टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए था। और इस टेस्ट के दरमियान मिसाइल ने तकरीबन कवर की थी 4900 किलोमीटर की डिस्टेंस तकरीबन 19 मिनट में, जो कि आपका 5th टेस्ट था। वहीं पे एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को अचीव करने के लिए जो 6th टेस्ट था उसे कंडक्ट किया गया था, जिसमें जो प्रिसीजन लॉन्च कैपेबिलिटी है उसको क्लोजली देखा गया था। बात करते हो 7th टेस्ट की, जो कि अभी हाल ही में 2018 के दिसंबर में कंडक्ट किया गया था। तो इस टेस्ट के दरमियान जो भी पैरामीटर्स थे, चाहे वो लॉफ्टी ट्रेजेक्ट्री हो, कैनिस्टर बेस्ड ऑब्जर्वेशन हो, या फिर जो अदर पैरामीटर हो, तो उन सबको देखा गया था। तो कुछ इस प्रकार के जो इसके टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए गए थे। और अभी इसको लेकर ऐसी खबर है कि इसका जो 3rd फेज है, यानी कि जो 3rd स्टेज है, उसके प्रोपेलेंट की क्वालिटी को अभी टेस्ट किया गया है। सो बेसिकली अगर आपके मिसाइल के प्रोपेलेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, तो मिसाइल की जो रेंज है वो अपने आप ही ऊपर जाएगी। तो 3rd स्टेज के लिए किस प्रकार का जो प्रोपेलेंट है वो चाहिए होगा, उसकी टेस्टिंग अभी लास्ट मंथ ही मार्च में कंडक्ट की गई है, जिसको कंडक्ट किया है एडवांस सेंटर ऑफ एनर्जेटिक मटेरियल्स ने। और इस टेस्ट के दरमियान जो भी बैलिस्टिक परफॉर्मेंस है सी लेवल पर, उन सबको देखा गया है, चाहे वो प्रोपेलेंट थ्रस्ट कितना दे रहा है, प्रोपेलेंट का चैम्बर प्रेशर क्या है, इग्नाइटर प्रेशर क्या है, वही भी प्रोपेलेंट के बर्न होने के बाद वाइब्रेशन या फिर अकोस्टिक जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की है, तो इन सबको देखा गया है। और ऑफिशियल रिपोर्ट की मानते हो तो जो प्रेशर टाइम प्लॉट है और थ्रस्ट टाइम प्लॉट है वो एग्जैक्ट वही पैरामीटर मिले हैं जो कि DRDO एक्सपेक्ट कर रही थी। सो मिसाइल की जो प्रोपेलेंट की क्वालिटी है वो ऊपर जाते हुए आपको दिखेगी। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि है DRDO के इंटीग्रेटेड हेलमेट मास असेंबली को लेके, जिसको IAF के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। सो ये जो आपका इंटीग्रेटेड हेलमेट मास असेंबली है, तो इसमें आपने जो आपका ऑक्सीजन मास्क है उसको हेलमेट के साथ इंटीग्रेट किया है, और जो प्राइम इंटीग्रेशन है वो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और साइट का है, जिसको टेस्ट कर लिया गया है तकरीबन 1 मार्क्स से आ रही एयर स्पीड पे। तो इस हेलमेट में एक डुअल पॉलीकार्बोनेट का वाइजर सिस्टम दिया गया है, मतलब आपके हेलमेट की वो चीज जिसके थ्रू आप देखते हो। सो इसका जो वाइजर सिस्टम है उसको टेस्ट कर लिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी है, तो इनके लिए इसको टेस्ट कर लिया गया है। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि जिस भी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होंगे उसको कैसे हैंडल करने जा रहा है ये। वहीं पे जो इसका ऑक्सीजन मास्क है जिसको डेवलप किया है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने, इस मास्क को भी तकरीबन 1 मार्क की स्पीड पे टेस्ट कर लिया गया है। और इसका जो इंटीग्रेशन है हेलमेट के साथ वो किस प्रकार का होगा उसको भी टेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि जब आपका जो पायलट है वो इजेक्ट करेगा, तो इजेक्शन के टाइम पे ये जो ऑक्सीजन मास्क का कनेक्शन है, इसको आप आपके एयरक्राफ्ट पे जो भी ऑक्सीजन जनरेटर है या फिर सिलेंडर है उसके कनेक्शन से अलग करना चाहोगे, तो उस पैरामीटर को भी ध्यान में रखते हुए टेस्ट कर लिया गया है। मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट IAF की है मिलिट्री स्टैंडर्ड पे, उन सभी को अचीव कर लिया गया है। अगर पर्टिकुलरली बात करते हो तो ये जो हेलमेट है वो लाइट वेट कैटेगरी का होने जा रहा है, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा जो भी आपके क्रू मेंबर है Su-30 या फिर MiG-21 और उसके साथ साथ MiG-29 और मिराज के पायलट के द्वारा, जो कि ये सभी एयरक्राफ्ट EMI और EMC कॉम्पैटिबल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।